अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से एक सब दोस्त भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको नेक सेहत फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक फरमाए। आज हमारे पास एक कस्टमर आया है हुंडा वी आर का। मैंने वीडियो उसकी छोटी सी बनाई है, वीडियो बेस्ट भी बन गई थी, छोटी सी बनाई है अपनी एहतियात के लिए, ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। मैंने एक वीडियो में बोला था कि जब आप किसी कस्टमर का काम करने जाते हैं ना, तो उसके ना मीटर की वीडियो बना लिया करें कि कस्टमर बाद में बोलता है कि यार ये लाइट तो हमारी गाड़ी में थी नहीं, आपने ये स्कैनर लगाया, आपने हमारी गाड़ी को कुछ कर दिया तो ये गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, इसमें ये लाइटें क्यों आ रही हैं भाई। तो मैंने बोला था कि वीडियो बना लेनी चाहिए ताकि अपने एहतियात के लिए काम करने से पहले। आज हुआ कुछ इस तरह है कि हमारी शॉप पर कस्टमर आया है, हुंडा वी आर है, तो उसका मसला आ रहा था कि ये हम जो स्मार्ट बैर से काम करते हैं ना, लॉक अनलॉक जो होता है, बाहर बटन लगा होता है उसको स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट नहीं चल रहा था उसका, और गाड़ी के अंदर एंटीने की लाइट भी आ रही थी, उसकी चाबी वाली लाइट आ रही थी। उसने बोला ये चेक कर लो, हमने बोला ठीक है हम चेक कर लेते हैं। हम चेक कर रहे थे, ठीक है, तो लड़के काम ही कर रहे थे, तो इतनी देर में वो दोबारा लड़का गया है, वो बोलता है कि तुम लोगों ने हमारी ये स्क्रीन LCD की स्क्रीन ऊपर वाली छोटी जो है ना ये तोड़ दी है। ये तो पहले ठीक थी, आपके पास हम आए ये काम करवाने के लिए, तो आप मेरे पास आए अंदर शॉप पे, कहता कि ये तुम्हारे लड़कों ने ये मेरी तो LCD तोड़ दी है। तो मैं उधर गया बाहर निकल कर, मैंने लड़कों से पूछा, उन्होंने बोला ताजी हमारा तो काम भी करते तुम गए ही नहीं है, हम तो बस ये टायर वाला शीशे ऊपर चेक कर रहे थे कि इसका एंटीना तो नहीं उतरा हुआ, एंटीने का मसला आ रहा था, एंटीने का कोड भी गाड़ी एंटीने का दे रही है। वो बोलता है नहीं जी नहीं, तुम लोगों ने ही ये तोड़ा है, ठीक है। तो मैंने फिर छोटी सी, क्योंकि बंदा बहस कर रहा, वो बोलता है कि तुमने तोड़ा है, हमने बोला हमने तोड़ा नहीं है, टूटा भी बात आ गई, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि उस भाई को भी ना पता होगा, क्योंकि गाड़ियाँ अक्सर रेंट पे चलती है तो मालिक को पता नहीं होता, वो बोलता है कि नहीं तुमने तोड़ा, हमने बोला नहीं हमने नहीं तोड़ा। तो फिर बात तो यहाँ पर तय हुई कि वो बोलता है कि ठीक है मैं पीछे वाले लड़के को फ़ोन करता हूँ कि शायद यार ये किसी पीछे वाले बंदे से टूट गई हो। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि जब भी काम करने जाते हो ना आप, किसी भी जगह पे, किसी भी घर में जाते हैं, किसी भी गाड़ी का या कोई भी काम ऐसा करते हो जहाँ इस काम के अंदर आपके साथ पहले मामला इस तरह के पेश आ चुके हैं, उस तरह की गाड़ियों की वीडियो बना लिया करें, काम करने से पहले चेक कर लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ें आपके पास वीडियो में पड़ी हो तो कस्टमर बहस करता है, तो आपके लिए आपके पास एक बचने के का ना एक रास्ता होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर तो बोलता है नहीं मेरा तो ये काम ठीक है, पहले सही था, अब भी हुआ है, तूने किया, तो उसके बाद तो हाल ही नहीं है, या तो फिर पैसे भर दो या फिर झगड़ा ले लो। अच्छा, फिर मैंने वीडियो छोटी सी बनाई, उसमें आप वीडियो में देखना कि मेरी और कस्टमर की बहस हो रही है, उस पर देखना कि आपको नज़र आएगा कि जहाँ से उसकी LCD टूटी हुई है वहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि वो पुरानी टूटी हुई है इसीलिए उसके अंदर मिट्टी है, अगर नई ताज़ी टूटी तो उसके अंदर मिट्टी तो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से फिर बचत हुई है, ठीक है। जज़ाकअल्लाह, दुआओं में याद रखें, और ये एहतियात ज़रूरी होती है, ठीक है, ये छोटे छोटे काम होते हैं। हाँ, अगर मेरे लड़के वहाँ पे जाकर उसकी पहले वीडियो बना लेते तो आज हम खुद भी बच जाते, लेकिन वो बंदा इतनी बहस करके चला गया है, जब उसको समझ आ गई कि यार ये सही कह रहे हैं कि अगर ताज़ी स्क्रीन टूटी होती उसके अंदर मिट्टी तो नहीं जानी थी, उसकी नुक्कड़ पे देख के आपको मुझे बताया कि मैं वीडियो एडिट करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह को अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक हमारे कारोबारों में सफर करता। भाई जन ए देख रहे हो, ए नुक्कर ते मिट्टी पई है, ठीक है ना, ए तो प्रोटेक्टर छे, ए प्रोटेक्टर तुसी ए हुन नु हाथ मार के साफ कीता है, ओ ते मैंने ए कीता ना, चेक कीता है, साफ कीता ना, इंज करके देखो जी, ए मिट्टी भी पई है ना, इदा मतलब की है कि इथे नु दब पई है, जदों पहले दी जदों मैनु दब पई है ते ए नुक्कर नु उठी जी है, अल्लाह दे बंदे वासी तन्नू क्यों गलत बयान करी है।